वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल के आर एग्जाम में। दोस्तों आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है जो कि कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं और शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं। तो दोस्तों इसी के बारे में आज के पेपर में जो है अपडेट आया हुआ है, तो चलिए देखते हैं पेपर को। इससे पहले चैनल पर अगर आप नए हैं तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की आपकी एडुकेशनल से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं आपको सही समय पर पहुँचती रहे। तो चलिए दोस्तों न्यूज़ को देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आज का न्यूज़पेपर ऑन करके रखा हुआ है। कॉमर्स से स्नातक भी अब बन सकेंगे स्कूल शिक्षक। जी हाँ दोस्तों, अब जो कॉमर्स से स्नातक पास करते हैं वो भी अब जो है सरकारी स्कूल के टीचर बन पाएंगे, इसी के बारे में अपडेट है। आइए पूरी अपडेट को हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, राज्य में कॉमर्स संकाय से स्नातक करने वाले विद्यार्थी भी अब जो है मध्य विद्यालय यानी कक्षा 6 से 8 तक में जो है शिक्षक बन पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब से जो कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं वो भी जो है मध्य विद्यालय में यानी कक्षा 6 से 8 तक में जो है शिक्षक बन पाएंगे, जो कि इससे पहले मध्य विद्यालय में केवल कला, विज्ञान एवं मानविकी संकाय के विद्यार्थी को ही जो है नियुक्ति होती थी, सिर्फ उन्हीं की नियुक्ति होती थी। लेकिन अब से जो है कॉमर्स बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट हैं उसकी भी नियुक्ति की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आगे देखते हैं। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग इसके लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के नियमावली में जो है अब बदलाव करने जा रही है। दोस्तों संशोधन का प्रस्ताव शिक्षा मंत्री को भेज दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा मंत्री को जो है नियमावली में जो बदलाव होने वाले हैं इसको लेकर इसका प्रस्ताव जो है शिक्षा मंत्री को भेज दिया गया है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत मध्य विद्यालय में 3 स्नातक परीक्षित शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। विद्यालयों में विज्ञान, भाषा एवं सामाजिक अध्ययन विषय के शिक्षकों की नियुक्ति होती है। शिक्षक की नियुक्ति की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी का जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट का एग्जाम जो है क्वालिफाई होना चाहिए। बाकी आप अब से जो है आर्ट्स में है, साइंस में है या कॉमर्स में है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जो कि पहले पड़ता था। अब से जो है सभी बैकग्राउंड के, जो कि कॉमर्स हो, आर्ट्स हो या फिर साइंस हो, सभी बैकग्राउंड को जो है समान मान्यता दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं सारा न्यूज़ आपके सामने है जो कि आज के पेपर में दिया गया है। साथ साथ आइए दोस्तों और भी कुछ पॉइंट को देख लेते हैं जो कि बदलाव किए गए हैं। पिछली शिक्षक नियुक्ति में कॉमर्स से स्नातक शिक्षकों की नहीं हुई थी नियुक्ति। या दोस्तों पिछली जो शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें जो है कॉमर्स बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट थे उसकी नियुक्ति नहीं हुई थी। लंबे समय से इसे लेकर राज्य के कॉमर्स के विद्यार्थी करते रहे थे आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं वो बहुत समय से आंदोलन कर रहे हैं जिसका प्रभाव पड़ा है, और अब जो है कॉमर्स के स्टूडेंट जो हैं वो भी टेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, यानी उसमें बदलाव किया जा रहा है। दोस्तों इन बिंदुओं पर भी बदलाव किया गया है। शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रमाण पत्र को मान्यता अवधि में बदलाव किया जा रहा है। प्रमाण पत्र के मान्यता की अवधि वर्तमान में 7 वर्ष है। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रमाण पत्र की मान्यता आजीवन कर दी गई। तो दोस्तों प्रमाण पत्र की मान्यता की अवधि जो कि पहले 7 वर्ष थी उसको अभी से आजीवन करने का जो प्रस्ताव है वो शिक्षा मंत्री को भेज दिया गया है। इस पर क्या विचार करते हैं शिक्षा मंत्री, ये सारी जानकारी आपको इस चैनल पर समय समय पर सारी अपडेट मिलती रहेगी। तो इसके लिए आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि एडुकेशनल से रिलेटेड जितना भी न्यूज़ हो आप तक सही समय पर पहुँचता रहे। और दोस्तों अपने जितने भी दोस्त सबको शेयर वीडियो जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर बढ़िया लगा है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।